राजधानी लखनऊ पुलिस ने गोमती नगर में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है। इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि गैंग का सरगना मुलायम ई रिक्शा चलाकर घरों की रैकी करता था, जिसके बाद घरों को निशाना बनाता था। पुलिस के मुताबिक एक व्यक्ति घर के अंदर चोरी करता था और दो घर के बाहर खड़े होकर निगरानी करते थे। इस तरह चोरी की घटना को अंजाम देते थे। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से सोने चांदी के गहने बरामद हुए। फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। तीन अपराधी उपस्थित हैं, इनमें से जो मुख्य अपराधी है मुलायम, उसके विरुद्ध 17 मुकदमे कायम हैं चोरी नकबजन इत्यादि के। इनकी मोडस ऑपरेंडी इस प्रकार थी कि ये ई रिक्शा के द्वारा घूमते थे, देखते थे कोई घर बंद है, लगातार दो तीन दिन से बंद है, तो उसको छांटते थे और फिर आकलन करते थे कि यहाँ पे कुछ मिल सकता है। फिर रात्रि में, उस दिन नहीं करते थे, नेक्स्ट समय में उसको अपना निशाना बनाते थे।